लेके चले गए हमारे, अगर कब तक अगली के पीछे लगे रहेंगे हमारे मासूम छोटे छोटे बच्चे, उसके इसके बच्चों का सहारा कौन है? पत्नी को कहीं को ले लगेगा, इससे पहले भी 12-15 साल तक अंदर रखे उसको, 12 साल तक, फिर कहीं कुछ हो हम लोग रख लेना था ना हमारे बच्चे को, छोड़ के भी क्या बना, उसकी बीवी बच्चों का सहारा कौन है बोलो, कैसा करना उन लोग, बोलो बोलो अब कैसे तभी छोड़े बच्चों के आधार कार्ड तक लेके चले गए, अगर क्या करना बोले लाइफ तो बता रहे हमारे बच्चों को। आप वालदा हैं के? नहीं मैं नहीं सर। कैसा जीना हम लोग, सब बोल के नहीं बता के नहीं कुछ भी होने घरों में घुस के आ गए तो कैसा जीना, अचानक एक बजे रात को आके परेशान, छोटे बच्चे सो के है सो नहीं देख रहे मम्मा, कुछ भी नहीं देख। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्ना ज्वेल्स, शाली बंडा, हैदराबाद। रफिया बेगम है, मेरे शोहर का नाम मोहम्मद जाहिद है। इन्होंने रात में दावत बोल के गए थे बाहर, 1 बजे रात को उनको घर को लेके आए, लेके आके कुछ खटका नहीं मारे, लॉक नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, डायरेक्ट घर में घुस गए हमारे, सब जने सो रहे थे, लाइट्स खोलो बोले लाइट खोल दे, पूरा घर में घुस गए। 2 लेडीज़ थे, जेंट्स तो आखिरी कितने थे नहीं मालूम, हद से ज़्यादा थे वो लोग, गिने भी नहीं हम लोग, आके कोऑपरेट करो कोऑपरेट करो, हम लोग खाली बात करते देख लेते कुछ मिला तो अच्छा है, नहीं तो कुछ छोड़ के चले आते बोल के बोले। सोप देख लिए, एक एक चीज़ तक नहीं छोड़े वो लोग, बच्चों के आधार कार्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, कुछ कुछ, अब ओरिजिनल मेरे को कंप्लेंट लिखाने जाना बोले तो भी मेरे पास कुछ चीज़ नहीं है। अब मेरे को गवर्नमेंट से अपील है, KCR साहब, असदुद्दीन साहब से, मेरे को इंसाफ होना, मेरे शोहर को 2 बजे तक लाके देते बोले थे, हाँ मेरे को अब होना, बाइज्जत बरी हो गए बाद में, हमारे पे हर रोज़ का टॉर्चर हो रहा है, हर महीने कहीं भी निकलना बोले तो हमारे पे जुल्म है, हमारे पीछे आ जाते रहते, क्या तो भी जीना नहीं जीना हमारे को, बोलिए आप लोग। हम आपको KCR साहब से अपील है, असदुद्दीन साहब से अपील है, गवर्नमेंट से बहुत अपील है, और हमारे पुलिस के साथ हम लोग बहुत कोऑपरेट करें, मगर पुलिस हमारे साथ जुल्म करके चले गई, एक एक चीज़ नहीं छोड़ी हमारी, हम आपको होना हमारा इंसाफ, इंसाफ दिलाइए। मेरी शादी होके 5 साल हो गया, 5 साल से तो मैं बहुत टॉर्चर हो गया, 3 बच्चे हैं मेरे को, 2 लड़के 1 लड़की है, लड़की तो 4 महीने की छः मेरी, बच्चे सो रहे हैं, अरे बच्चे सो रहे हैं छोड़ दो, और कुरान के डब्बे को तक नहीं छोड़े हमारे, उसको तक छीन खोल के देखे, अब क्या बोलना, मैं बोलिए आप लोग। आधार कार्ड तक लेके चले गए, अगर क्या करना बोले लाइफ तो बता रहे हमारे बच्चों। कैसा जीना हम लोग, सब बोल के नहीं बता के नहीं कुछ भी होने घरों में घुस के आ गए तो कैसा जीना, अचानक 1 बजे रात को आके परेशान, छोटे बच्चे सो के है सो नहीं देख रहे मम्मा, कुछ भी नहीं देख, सब सो रहे थे मिडनाइट, बाहर बच्चे बैठे हुए थे, उनके मोबाइल्स ले लिए, वो नहीं अच्छा, कम से कम नॉक करना, हाँ नॉक नहीं करे कुछ नहीं करे, बाहर हॉल में बच्चा सो रहा था तो उसके पास से भी मोबाइल ले लिए, लाइट ऑन करो बोले, उन लोग जैसा बोले उनके फॉलो करते गए हम लोग, उनको फॉलो करते, क्या पूछे क्या पूछे भी नहीं पूछे, हमारा कॉपरेट करो कॉपरेट बोले, आप रूम में आके देखिए, एक एक क्लॉथ को ऐसा कर दे, कार्टून्स निकाल दिए, बोल रही हूँ मैं, हमारे जो जो सर्टिफिकेट्स है ना, इनको बर्थ सर्टिफिकेट का क्या है बोलिए, बर्थ सर्टिफिकेट से बच्चों के, वो भी 4 मंथ्स की बेबी से क्या कहा, बर्थ सर्टिफिकेट क्यों चाहिए था उनको, आधार कार्ड क्यों चाहिए था उनको, हम अच्छा हमारे पासपोर्ट, मैं बोल रही हूँ 2 ईयर्स हो रहा, मैं टीचर थी, मैं ले लेके आई तो नहीं अम्मा वेरीफिकेशन करके दे देते, बोल रहे आप वेरीफाई कर रहे होंगे ना, 5 ईयर्स से आ रहे मंथली आ रहे हैं, हाँ देख रहे हैं आप, बता है नहीं है बंदा है नहीं है घर में, जब से इनकी मैरिज हो गया, और मंथली आके फोटोज लेते, कोई आए करे तो।